ऐतिहासिक लाल किले मैदान को डालमिया ग्रुप को गोद दिया जा रहा है, जिस पर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ अलका लांबा मौजूद है, जो कि चांदनी चौक से विधायक है। अलका जी, डालमिया ग्रुप को गोद दिया जा रहा है ऐतिहासिक लाल किला मैदान, क्या कुछ? देखिए, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, उदाहरण देकर, कुछ परिवारों से जब अपने घरों के बुजुर्गों की जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती है, वो संभालना नहीं चाहते, तो अपने घरों के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। उसी तरह मुझे लगता है कि भारत की जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला किया कि जब आप अपने ही देश की ऐतिहासिक धरोहर विरासत को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आपने डालमिया जैसे ग्रुप को अपनी इस विरासतों को जो है गिरवी रखने का फैसला किया, वो भी मात्र सालाना 5 करोड़ रुपए में। आप चलिए टिकट घर में, आपको पता लगेगा कि सालाना 18 करोड़ रुपया सिर्फ टिकटों से जो है वो सरकार कमाती है। अब वो 18 करोड़ प्रति साल डालमिया ग्रुप को जाएगा। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हो रहे हैं, इन कार्यक्रमों से भी पैसा आता है, पार्किंग से पैसा आता है, तो ये सब पैसा, ये सारा मुनाफा किसी तरह जो है डालमिया ग्रुप को मिलने वाला है। और अपनी विरासत को जो है, आपने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, देश बिकने के कड़ी में ही आप जो है अपनी विरासत, अपनी धरोहर को आजादी का पहला तिरंगा इस प्राचीर से लहराया, अभी भी आप देख रहे हैं इसे आप गिरवी रख रहे हैं। शर्म की बात है, हम दबाव बनाएंगे भारत की सरकार पर, अपने इन फैसले को वापस लीजिए, अपनी जिम्मेदारियां लीजिए, ताकि इन विरासतों को भारत सरकार खुद के पास रखे। 5 करोड़ नहीं है भारत सरकार के पास सालाना, जबकि कमाई का देखिए 18 करोड़ टिकटों से आता है, पार्किंग, कार्यक्रम, तो मुझे लगता है कहां जाएगा वो पैसा? बिल्कुल डालमिया ग्रुप के पास जाएगा और वापस चुनाव में मोटा माल चंदे ग्रुप में भाजपा के पास आएगा। हमसे बातचीत करने के लिए अलका लांबा, जो कि साफ तौर पर सवाल खड़े कर रही है लाल किले को गोद दिए जाने पर। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।